कौन हैं आप और आपको क्या चाहिए? मैं गंगू हूं। मैं राजा बीरबल से मिलना चाहता हूं। मैं उनसे इंसाफ चाहता हूं। लेकिन राजा बीरबल आराम कर रहे हैं, उन्हें आप लोग कल दरबार में जाकर क्यों नहीं मिलते? नहीं नहीं, हमें अभी उनसे मिलने दीजिए। यह आदमी एक चोर और झूठा है, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमें आज ये मामला सुलझाने दीजिए। ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ अगर वो आपसे अभी मिल सकते हैं। आप यहीं ठहरिए। हुजूर, बाहर दो आदमी आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं, वो आपसे इंसाफ चाहते हैं। मैंने उनसे कल दरबार में मिलने को कहा, पर वो अभी ही मिलना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें अंदर ले आओ। अंदर आइए, राजा बीरबल आपसे अभी मिलेंगे। आदाब। हाँ जी, क्या समस्या है? जरा ठहरिएगा, कौन हो सकता है ये? आदाब हुजूर, आदाब। आदाब हुजूर, आपने मुझे बुलवा दिया होता, अगर कुछ काम था तो? नहीं, मैं सिर्फ बागीचे में सैर कर रहा था, सोचा क्यों ना तुमसे मिलता चलूं। आदाब जहां बना। ये कौन है बीरबल? मैं खुद भी जानना चाहता था हुजूर, इन्हें इंसाफ चाहिए, लेकिन मैंने बाद में आने को कहूंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें इंसाफ करते देखना चाहता हूँ, शुरू करो। हाँ तो आप कहिए, आप दोनों कौन हैं और समस्या क्या है? जहां पना, हुजूर मैं गंगू तेली हूँ, मैं तेल बेचता हूँ। मैं शहर के काफी व्यापारियों को और दुकानों में तेल बेचता हूँ। आज मेरा कारोबार अच्छा हुआ और इसकी दुकान से गुजर रहा था, ये लच्छूराम कसाई है, इसने मुझे अंदर बुलाया। ए, तेल वाले, इधर आओ, मुझे थोड़ा तेल दो। जी जनाब, कितना तेल चाहिए आपको? सोचने दो, मुझे एक माप दे दो। जनाब ये लीजिए, 2 रुपए हुए जनाब। 2 रुपए? ये तो ज्यादा है, तुम तो बेईमानी कर रहे हो। जनाब तेल महंगा हो गया है, मुझे व्यापारी को भी देना पड़ता है और कमाई इसमें कम है। मैं आपको ठग नहीं रहा, आप किसी से भी पूछ लें। खैर, सभी यही कहते हैं, तुम हमें ठग रहे हो। खैर ये लो पैसे, एक चांदी का सिक्का है, अब मुझे छुट्टे दे दो। तुम थक गए होगे सारा दिन ये बोझा उठाकर, क्यों ना अंदर हाथ धोकर मेरे साथ थोड़ी लस्सी पी लो, फिर काम पर चले जाना, क्या ख्याल है? अरे क्या कर रहे हैं आप, ये मेरे पैसे हैं। झूठे, ये मेरे पैसे हैं, तुम मुझ पर ये इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हारी ऐसी हिम्मत, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। फिर हमने झगड़ा शुरू कर दिया, इसलिए हम यहाँ आए हैं। अब आप ही मेरे पैसे वापस दिलवा सकते हैं। तुम्हें क्या कहना है इस बारे में? जनाब ये आदमी एक झूठा और चोर है, दरअसल बात कुछ ऐसी थी। जनाब क्या आपको तेल चाहिए? नहीं शुक्रिया, मुझे जरूरत नहीं है। जनाब आज मेरी बोनी तक नहीं हुई, एक नाप ले लीजिए मुझे, एक नाप। देखो मैंने कहा मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास 1 महीने का काफी तेल है। जनाब मैं आपको छूट दूंगा, जनाब एक नाप ले लीजिए। ठीक है, मुझे एक माप दे दो। शुक्रिया जनाब, 2 रुपए हुए इसके। ठीक है, ये लो पैसे। जनाब क्या मैं हाथ मुंह धो सकता हूँ? सारा दिन ये थैला लटका के मैं थक गया हूँ, सिर्फ हाथ मुंह धोकर थोड़ा चुस्त होना चाहता हूँ। ठीक है,
पर जल्दी करो, हाथ मुंह वहां धो लो। ए, ये क्या कर रहे हो? रुको, चोर कहीं का। मेरे पैसे वापस करो। नहीं, ये मेरे पैसे हैं, ये मेरा थैला है। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? मेरे पास भीख मांगने आए, मैंने मदद की, तूने ये क्या किया? मेरे पैसे चुराए? तुम मुझे लूटना चाहते हो? ये मेरे पैसे हैं और मैं तुम्हें नहीं दूंगा। लोग जमा हो गए और सलाह दी कि आपके पास आए हुजूर, आप ही मेरी मदद करें हुजूर। नहीं जनाब, ये मेरे पैसे हैं, ये आदमी झूठ बोल रहा है। ओ बीरबल, अब तुम ये समस्या कैसे सुलझाओगे? कोई गवाह भी नहीं है, दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, अब तुम इसका इंसाफ कैसे करोगे? हुजूर, इस समस्या का हल है, और माफ कीजिएगा हुजूर, पर आप गलत थे, एक गवाह है इस बात का। हुजूर, आपकी गलत फहमी है, जब उसने पैसे लेना चाहे तब वहाँ कोई नहीं था। नहीं, तुम गलत हो, एक गवाह मौजूद था, वो पैसों का थैला, वो ही गवाह है। बीरबल, तुम ठीक तो हो? भला पैसों का एक थैला गवाह? एक थैला सच्ची बात कैसे कह सकता है? हुजूर, बस थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मुझे यकीन है ये थैला जरूर बोलेगा। कमाल है, ये तो काफी दिलचस्प होगा, जल्दी करो। एक बर्तन में पानी लेकर आओ। अब ये पैसों का थैला मुझे दो। हुजूर, सच्चाई सामने है। ये तेली सच बोल रहा था, ये पैसों का थैला उसी का है। तुम ये कैसे कह सकते हो बीरबल? तुम्हें यकीन है? मुझे पूरा यकीन है हुजूर, मैं साबित कर सकता हूँ। तो साबित करो। हुजूर, अगर आप देखें तो पानी के ऊपर तेल की एक परत है, ये तेल की परत इन सिक्कों में से आई, और ये तेल सिर्फ तेली के हाथों से ही आ सकती है। जब वो थैले में सिक्के डालता था और निकालता था, सिक्कों पे तेल लगने का और कोई कारण हो ही नहीं सकता। शाबाश शाबाश, हमें खुश कर दिया तुमने, बड़े होशियार हो तुम, बहुत खूब। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे माफ कीजिए हुजूर, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं लालची हो गया था। नहीं, तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा, तुम्हें इस आदमी को वो पूरी रकम लौटानी होगी जो तुमने चुराने की कोशिश की, और इस जुर्म के लिए 1 महीने की कैद। शुक्रिया जहांपना। बीरबल, तुम्हारा कोई भी जवाब नहीं। शाबाश बीरबल, शाबाश। शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया।